Assalamualaikum, welcome to my channel. Ummeed karti hoon sab khairiyat se honge. Main aapke liye aaj fir garam garam recipe ke sath hazir hoon mix veg साइज की प्याज लिए हैं जिनको बारीक स्लाइसेस में कट कर लिए। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी गर्म मसाले। साबित गरम मसाले 1 तेज पात और 1/4 टेबल स्पून साबित जीरा। इनको अच्छी तरह तेल में कटकड़ाऊंगी इस तरह से। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 बड़े अनियन जिनको मैंने बड़े स्लाइसेस में कट कर लिया। मैं प्याज को ब्राउन करूँगी अच्छी तरह से। प्याज को ब्राउन करते हुए मैं इसमें सॉल्ट शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। शामिल करूंगी टमाटो और 5 ग्रीन चिली। इसे अच्छी तरह से भूनूंगी और टमाटर को मैं गलाऊंगी। टमाटर के गलने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन। 1/2 बोनलेस केजी मैंने चिकन लिया है, कट कर लिया था। अब मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं अच्छी तरह से 5-6 मिनट के लिए भूनूंगी। पकाऊंगी 15 मिनट्स के लिए। आफ्टर 15 मिनट्स सारी सब्जियों में से पानी निकल आया है। इस तरह से मैंने इसमें एक ज़रा पानी शामिल नहीं किया। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। वेजिटेबल्स 1/2 डन होने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून वेजिटेबल्स मसाला पाउडर। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसे उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक हमारी सब्जियाँ सारी बन जाए। हाफ आवर्स के बाद मिक्स वेजिटेबल बिल्कुल आपके सामने रेडी है। सारी सब्जियां हमारी गल गई हैं। आप इसे चपाती के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन। ये सिर्फ एक मज़ेदार रेसिपी नहीं है, इसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी भी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।